अगर आप वोटर आईडी कार्ड बनाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है अब आपको अपना वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए किसी भी बी के पास किसी भी गवर्नमेंट टीचर के पास या फिर किसी भी सी एस सी केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं है बल्कि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से आप अपना या किसी का भी ऑनलाइन ही वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं आपको अपना या किसी का भी वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए सिर्फ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड के थ्रू ही आप अपना या किसी का भी वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं अगर आप इस बताए हुए प्रोसेस से आप अपना या किसी का भी वोटर आई कार्ड बनाते हैं तो यहाँ पर आपका जो वोटर आई कार्ड है सिर्फ 10 से 15 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाता है और वोटर आई वो कार्ड बनने के बाद आप उसे ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हो इसके अलावा जब आपका वोटर आई कार्ड बन जाता है उसके बाद दस से दिन के अंदर आपका जो वोटर कार्ड है वो पोस्ट आपके घर पर सेंड कर दिया जाता है अगर आपकी एज भी अठारह साल से ऊपर हो गई है और आप अपना या किसी का भी वोटर आई कार्ड बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप अपना या किसी का भी ऑनलाइन वोटर आई कार्ड बना सकते हैं तो उसका कंप्लीट प्रोसेस जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर आपको अपना या किसी का भी ऑनलाइन वोटर आई कार्ड बनाने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउजर अपने मोबाइल फोन में या कंप्यूटर में आपको ओपन करना है और वहां पर आपको गूगल में जाके सर्च करना है एन वी लिखकर आप सर्च करेंगे उसके बाद आपके सामने जो फर्स्ट नंबर वाली लिंक आएगी एन डॉट इन सिंपली आप इस लिंक पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा अब आपको यहां पर थर्ड नंबर वाला एक ऑप्शन मिलता है वोटर पोर्टल और वहां पर आपको न्यू करके एक ऑप्शन मिलता है आप इस पर क्लिक करेंगे जब आप यहां पर

अकाउंट का तो सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे जब आप यहां पर क्लिक करोगे यहां पर आपसे ये ई मेल आई मांगेगा और मोबाइल नंबर मांगेगा उसके बाद यहां पर कुछ आपसे बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी आपका नेम वग़ैरह उसके बाद यहां पर आपका मोबाइल पे ओ आएगा ओ वगैरह आप डाल दोगे उसके बाद यहां पर आपको अपने हिसाब से पासवर्ड सेट करना है और पासवर्ड सेट करने के बाद आप यहां पर सबमिट करोगे तो यहां पर आपका जो वो मोबाइल नंबर है आपकी ईमेल आईडी है वो आपका यहां पर ऊपर वाले बॉक्स में आपको डालना है और जो पासवर्ड आपने सेट किया है वह वाला पासवर्ड आप यहां पे लॉगिन के लिए डालोगे

उसके बाद आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा अब आप यहां पर देखोगे यहां पर आपको कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं तो यहां पर आपको फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन मिल जाता है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन का तो सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे जब आप यहां पर क्लिक करोगे यहां पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ आ चुका है यहां पर जो भी हमने रजिस्ट्रेशन करते टाइम यहां पर अकाउंट क्रिएट किया था उस टाइम जो भी हमने हमारा जो नेम था वो यहां पर डाला है वो नेम आ चुका है और यहां पर लिखा हुआ है माई नेम इज वोटर मित्र आई एम योर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट उसके बाद सिंपली आपके ने इस तरीके का एक डैशबोर्ड आता है उसके बाद सिंपली आपको नीचे ऑप्शन मिलता है लेट्स स्टार्ट का तो सिंपली आपको नीचे लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करना है जब आप यहां पर क्लिक करोगे यहां पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि आर यू अप्लाई फॉर द वोटर आई फर्स्ट टाइम क्या आप यहां पर फर्स्ट टाइम वोटर आई कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं अगर आपने पहले भी अप्लाई किया हुआ है तो आप यहां पर आपको नो आई ऑलरेडी है, है अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं वोटर आई कार्ड के लिए तो आपको यहां पर यस आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम इस पर आपको क्लिक करना है जब आप यहां पर क्लिक करोगे उसके बाद यहां पर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे यहां पर क्लिक करने के बाद यह आपसे पूछेगा कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब क्या आप

आप वोटर आई कार्ड बना रहे हैं तो वोटर आई कार्ड आप तभी बना सकते हैं जब आपकी एज 18 साल हो गई है या फिर आप 18 साल से ज्यादा के हो गए हैं अगर आप 18 साल से कम हैं तो आप अपना या किसी का भी वोटर आई कार्ड नहीं बना सकते उसके बाद यहां पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उसके बाद यहां पर आपको पूछा जाता है प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जहां पर भी आपका जन्म हुआ था उस स्थान का नाम आप यहां पर डालोगे उसके बाद यहां पर सेलेक्ट स्टेट के लिए बोला जाता है जो भी आपका स्टेट है स्टेट आप यहां से सेलेक्ट करोगे यहां से आप अपनी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करोगे उसके बाद सिंपली आप नीचे स्कॉल करोगे नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट अब आपको क्या करना है कि जो भी डेट ऑफ बर्थ आपने लिखी है उस वाली डेट ऑफ बर्थ के लिए यह आपसे डॉक्यूमेंट बोलेगा कि आपको क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए लगाना है तो जो डेट ऑफ बर्थ आप लिखते हो उस वाले डॉक्यूमेंट के लिए आपको यहाँ पर उस वाली डेट ऑफ बर्थ को मैच करने के लिए आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप इस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है आप इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए

या फिर पीडीएफ में रखनी है और इसकी जो मैक्सिमम साइज है वो आपको दो एम बी रखनी है दो एम बी से ज्यादा इसकी साइज नहीं होनी चाहिए उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद सारी डिटेल फिल करने के बाद और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है सेव एंड कंटिन्यू का तो सिंपली आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने इस तरीके का डैशबोर्ड आ जाएगा अब आपको यहां पर पूछा जाता है यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी है सबसे पहले यहां पर आपको अपलोड पिक्चर का ऑप्शन मिलता है अब आपको क्या करना है यहां पर जिसका भी आप वोट आई कार्ड बना रहे हैं उसके वोट आई कार्ड के ऊपर आप जो भी फोटो लाना चाहते हैं मतलब जिसका भी वोट आई कार्ड आप बना रहे हैं उसके वोट आई कार्ड में कौन सी फोटो आनी चाहिए उसकी एक फोटो को आपको यहाँ पर अपलोड करना है और फोटो की जो साइज़ है वो आपको दो सौ से कम रखनी है और फोटो को यहाँ पर अपलोड कर देनी है उसके बाद ये आपसे जेंडर

तो आप यहां से इसका जो भी विकलांग का जो भी यहां पर ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अगर विकलांग नहीं है तो आपको इसको ऐसे कैसे रहने देना है उसके बाद सिंपली आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने फैमिली मेंबर की डिटेल डालने का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर आप जिसका भी वोटर आई कार्ड बना रहे हैं उसके फैमिली में से किसी का भी अगर आपके पास वोटर आई कार्ड नंबर है उसकी फैमिली में से किसी का भी वोटर आई कार्ड नंबर है तो वो वाला नंबर आप यहां पे डालेंगे इसके बाद सिंपली आप इसको नीचे कॉल करोगे नीचे स्कॉल करने के बाद अभी यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि एंटर द नेम ऑफ रिलेटिव मतलब यहाँ पर अब आपको क्या करना है जिसका भी आप यहाँ पर वोटर आई कार्ड बना रहे हैं उसके वोटर आई कार्ड के ऊपर आप किस किस रिलेटिव का नेम चाहते हैं मतलब आप फादर नेम चाहते हैं मदर नेम चाहते हैं तो उसका जो भी नेम है वह वाला कंप्लीट नेम नेम आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर यह ऑटोमेटिक पर हिंदी में आ जाएगा उसके बाद सिंपली आप इसको नीचे नीचे करोगे करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है रिलेशन टाइप का मतलब जो नेम आपने ऊपर लिखा है वह वाला नेम वाला व्यक्ति जो वोटर आईडी कार्ड आप अप्लाई कर रहे हो उस वाले वोटर आईडी कार्ड वाले व्यक्ति का क्या लगता है मतलब आप यहाँ पर अगर फादर नेम लिख रहे हो तो फादर पर आपको टिक करना है मदर नेम लिख हो तो मदर नेम पर टिक करना है या फिर अदर किसी प्रकार का रिलेशन है तो वो आप यहां पर अदर पर क्लिक कर सकते हैं उसके बाद सारी डिटेल फिल करने के बाद नीचे आपको सेवन कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद आपके सामने आपका जो भी करंट एड्रेस है उसको फिल करने का ऑप्शन आ जाता है सबसे पहले यहां पर आपका जो भी हाउस नंबर है हाउस नंबर आप यहां पे लिखेंगे अगर आपका कोई हाउस नंबर नहीं है तो आप यहां पर जीरो एक लिख देंगे उसके बाद यहां पर आपका जो भी स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी है वो आपको यहां पर लिखनी है आपका पोस्ट ऑफिस आपको यहां से सिलेक्ट करना है उसके बाद जो भी आपका विलेज है विलेज आपको यहां से सिलेक्ट करना है उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप सिटी से हैं या फिर टाउन से हैं या विलेज से हैं वो आप अपने हिसाब से यहां पर सेट करेंगे उसके बाद आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वह वाला पिन कोड आप यहां से सेट करेंगे उसके बाद सिंपली आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है नेक्स्ट का तो सिंपली आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ जाएगा अभी आपसे यहां पर पूछ रहा है कि आपने यहां पर जो जगह भरी है जो एड्रेस भरा है इस वाले एड्रेस पर आप कितने सालों से रह रहे हैं तो जिस सन से आप यहां पर रह रहे हैं वह वाली सन आप यहां से सिलेक्ट करेंगे उस वाली ईयर को आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद मंथ को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद सिंपली आप नीचे स्कॉल करेंगे नीचे स्कॉल करने के बाद यहां पर आपको जनरल डिक्लेरेशन में यहां पर डेट मिल जाएगी उसके बाद यहां पर आपका प्लेस यहां पर आपका जो भी विलेज का नेम है या जो भी आपका प्लेस का नेम है वह

उसके बाद यह तो बात हो गई इसको अप्लाई करने की अब आपको क्या करना है आपको यहां पर 10 से 15 दिन का वेट करना है और 10 से 15 दिन के बाद आपका यहां पर जो वोटर आईडी कार्ड है है वो बनकर तैयार हो जाता है. तो यहां पर आप किस प्रकार से चेक करेंगे कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो बनकर तैयार हुआ है या नहीं तो उसको चेक करने के लिए आपको इसको यहां से कट करना है जब आप इसको यहां से कट करेंगे तो आप उसी वाले सेक्शन में आ जाएंगे जहां से आपने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया था तो यहां पर आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाता है ट्रैक स्टेटस का सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे और यहां पर जो भी आपका मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर डाल के आप ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करेंगे या फिर एप्लीकेशन नंबर आप यहां पर डालोगे उसके बाद यहां पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे उसके बाद ट्रैक और स्टेटस पर क्लिक करोगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन है उसका जो भी स्टेटस है वो आपके सामने आ जाएगा अभी आप देख सकते हो यहां पर हमने जो वोटर आईडी कार्ड अप्लाई किया था उसका यहां पर जो स्टेटस है वो सबमिटेड दिखा रहा है उसके बाद यह जो हमारा स्टेटस है बीएलओ अपॉइंटमेंट होगा इसके बाद यहां पर फील्ड वेरिफिकेशन होगा और फील्ड वेरिफिकेशन होने के बाद हमारा जो वोटर आई कार्ड है वो यहां से अक्सेप्ट हो जाएगा और जब वोट आई डी कार्ड अक्प्ट हो जाएगा तो वोट आई डी कार्ड अक्प्ट होने के बाद यहां पर हमें हमारा जो वोटर आई कार्ड नंबर है वो हमें यहां पर मिल जाएगा अगर आप यहां पर कुछ गड़बड़ कर देते हैं आप डॉक्यूमेंट वगैरह सही अपलोड नहीं करते हैं या फिर डिटेल सही नहीं बरते हैं तो यहां पर आपका जो वोटर आई कार्ड है उसको रिजेक्ट भी कर दिया जाता है तो यहां पर आप अगर स्टेटस चेक करते हैं और यहां पर अगर आपका वोटर आई कार्ड नंबर जनरेट हो जाता है तो वोटर आई कार्ड नंबर जनरेट होने के बाद वापस से आप अपना जो वोट आई कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हो तो वो जो आपका नंबर यहां पर जनरेट होता है उस वाले नंबर को आपको कॉपी करना है या फिर चाहो तो यहां से आप डायरेक्ट आपका जो भी एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर है इसको आप नोट करेंगे इसको आप कॉपी करेंगे उसके बाद जब आपका यहां पर वोटर आई कार्ड नंबर जनरेट हो जाएगा तो आपको यहां पर अपना वोटर आई कार्ड ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है आपको एनवीएसपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहां पर आपको आना है और यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ई एपिक डाउनलोड का सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे जब आप यहां पर क्लिक करोगे यह आपसे यहां पर लॉगिन आईडी और जो भी आपका पासवर्ड है वो आपसे मांगेगा आप यहां पर यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे अगर आप इस वाली साइट पर पहली बार आ रहे हैं तो यहां पर आपको डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर्ड एज ए न्यू यूजर इस पर आपको क्लिक करना है जब आप यहां पर क्लिक करोगे यहां पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपका जो अकाउंट है वह यहां पर क्रिएट हो जाएगा और अकाउंट क्रिएट होने के बाद यहां पर आप इसमें अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लोगे और अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप इसमें लॉग करोगे

के बाद उसके बाद आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो और ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद ही आपका जो वोटर आई कार्ड है आपका जो वोटर आई कार्ड है ऑनलाइन डाउनलोड करने के बाद आप इसे कहीं पर भी लगा सकते हो इसके अलावा जो आपका ओरिजिनल वोटर आई कार्ड है प्लास्टिक वाला वोटर आई कार्ड आपका जो एड्रेस होता है आधार वाला एड्रेस उस वाले एड्रेस पर भी सेंड कर दिया जाता है तो यहां पर जो वोटर आई कार्ड है वो किस प्रकार से बनता है किस प्रकार से इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है तो उसका जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैंने आपको इस वीडियो में समझ दिया है उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें इसके अलावा अगर आपको वोट आईडी कार्ड बनाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है और आप हमें नीचे कमेंट करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं या फिर आपका किसी अदर टेक रिलेटेड इशू है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है वहां पर जाकर डायरेक्ट हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं क्योंकि जो भी हमें वहां पर डायरेक्ट मैसेज करता है हम उनका हंड्रेड रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं